रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू नर्सरी कायदा का एक नया हर्फ। और वो हर्फ हमारे पास क्या है? वो हर्फ हमारे पास है दाल। यहाँ पर हम देखेंगे दाल का तारुफ और दाल की पहचान। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये क्यों नहीं कहा कि पहले तो हम बड़ी शक्ल भी देखते थे, छोटी शक्ल भी देखते थे, तो दाल की हम छोटी शक्ल क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए कि दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये हमारे पास जो ख़ानदान आएगा, इस ख़ानदान की छोटी शक्ल नहीं होती। इसके लिए जब भी हमने अल्फाज साजी करनी है तो हम अलिफ वाओ को इसके साथ मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो ये अपनी शक्ल जो है वो चेंज नहीं करेंगे। जी, दाल, दाल की आवाज़ क्या है हमारे पास? दाल की आवाज़ हमारे पास आती है दाल। ठीक है, दाल, दाल की आवाज़ हमारे पास क्या है? द। दाल की आवाज़ क्या है? द। जैसे कि वर्ड हम सुनते हैं दाद, तो जो आखिरी वाला दाल है द, तो आवाज़ क्या आएगी? द। क्या आवाज़ आएगी? द। तो अब देखते हैं कुछ इसके तारुफ के साथ कुछ इसके अल्फाज। दाल, द, दरख्त। दाल, द, दांत। दाल, द, दीवार। दाल, द, दिल। दाल, द, दवात। दाल, द, दावत। दाल, द, दर्जी। दाल, द, दरवाज़ा। अब हम देखेंगे दाल की लिखाई। तो दाल की लिखाई जब करनी है तो एक दफ़ा मैं लिखूंगी, मेरी बारी आएगी, और दूसरी दफ़ा आप लिखेंगे। तो अब मैं जैसे हवा में उंगली की मदद से लिखूंगी, तो आपने भी वैसे हवा में लिखना है। कैसे लिखना है दाल? इस लाल नुक्ते से हम शुरू करेंगे और हम नीले नुक्ते पे ख़त्म करेंगे। पेंसिल के साथ घुमाइएगा, दाल। अब एक दफ़ा आप लिखिएगा, उंगली घुमाइएगा हवा में, दाल। ऐसे, शाबाश, अपने लिए एक दफ़ा क्लैपिंग करें। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 47 पे। गौहर उर्दू कायदा सफ़ा नंबर 47। सफ़ा नंबर 47 पे हमारे पास दाल है, यानी कि दाल। अब दाल के साथ हमने दाल के हरफ भी सीखने हैं। दाल के हमारे पास कौन कौन से हरफ आ रहे हैं? हमारे पास हरफ आ रहा है दाल, द, दीवार। दाल, द, दांत। दाल, द, दरख्त। तो अब हम अगला सवाल देखेंगे, और हमारा अगला सवाल है पेंसिल फेरें और लिखें। अब आप देख सकते हो कि हमने तीनों लाइनों में दाल ही लिखना है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, दाल, डाल, जाल, इनकी छोटी शक्ल नहीं होती, तो हम इसको लिखेंगे। दाल, दरख्त की, इसको लाइन के ऊपर लिखना है, लकड़ी है सख्त। ठीक है जी, कोई नुक्ता नहीं है दाल का, ऐसे। अब देखेंगे दाल, दाल के मैंने आपको बताया अल्फाज साजी के लिए हमें मसवतों की ज़रूरत होती है, और उर्दू के चार मसवते हैं। कौन से हैं? अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। अब अलिफ की आवाज़ है आ, जब भी वाओ दरमियानी आवाज़ में आएगा तो वो आपके पास आवाज़ देगा ओ, जब भी आपके पास छोटी ये दरमियानी आवाज़ में आएगी तो वो आपको आवाज़ देगी ई, और जब भी आपके पास बड़ी ये दरमियानी आवाज़ में आएगी तो वो आपको आवाज़ देगी ए। ठीक है, अब जैसे द, द, आ, यानी कि दाल, अलिफ, दा, दाग, ये एक नुक्ता ऊपर आएगा। अब द, ल, द, ल। अभी इसको हमने जेर के बगैर पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको दल पढ़ेंगे। इसके नीचे जेर होती तो हम इसको, आवाज़ नीचे की तरफ जाती, हम इसको पढ़ते दिल। तो अभी इधर जेर नहीं है तो हम इसको द, ल, क्योंकि अभी हमने इराब नहीं पढ़े। जी, अब हमारे पास सफ़ा नंबर 48 पे एक नज़्म है, तो इसको पढ़ते हैं, दरख्त लगाओ। जी, तो इस नज़्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं, दरख्त लगाने क्यों ज़रूरी हैं?
जी, दरख्त अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। दरख्त हमारे पास हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जितनी भी हमारी फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हमें साफ और खुली हवा में सांस लेने में मदद देती है। ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दरख्त जो होते हैं वो माहौल को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन पर हरारत यानी कि गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़मीन रहने के काबिल जगह नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है और ये जितनी भी फ़िज़ा में आलूदगी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये अपने अंदर जज़ब करके हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने भी सब ने एक एक दरख्त ज़रूर लगाना है अपनी टीचर की मदद से अपने स्कूल के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं ये नज़्म। 1 2 3 4 पेड़ लाएँ खूब यार, 5 6 7 8 सब ज़मीन के और ही हैं ठाट। यानी कि जितनी सब ज़मीन होगी उतनी ठंडी होगी, उतनी अच्छी लगेगी, तो उसके और ही ठाट यानी कि उसके और ही मज़े हैं। अब चलते हैं अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर मिसाल के मुताबिक नाम के पहले हर्फ को तस्मीर से मिलाएं और हर्फ की इब्तदाई शक्ल से भी मिलाएं। यानी कि अब आपने हर्फ को उसकी छोटी शक्ल के साथ भी मिलाना है। अब खे, तो खे से किस तस्वीर को मिलाएंगे? खे से मिलाएंगे खरगोश को। और छोटी शक्ल कहाँ है हमारे पास? छोटी शक्ल ये है। अगला हर्फ क्या है? जीम। जीम किस से मिलेगा? जुगनू से। और जीम की हमारे पास शक्ल कौन सी है? ये। अगली क्या है? चे। चे से ये चूंटी। और इसकी शक्ल कहाँ है हमारे पास? छोटी शक्ल ये। हे कहाँ पर है? हे। और हे से कौन सी शक्ल मिलेगी? हे से तस्वीर मिलेगी होस। और साथ इसकी छोटी शक्ल कहाँ जाएगी? छोटी शक्ल जाएगी यहाँ जी। अब सफ़ा नंबर 50 को देखते हैं। सफ़ा नंबर 50 के मुताबिक सरगर्मी नंबर 2, तरतीब से हरूफ नुक्ते लगाकर मुकम्मल करें। अब पहला हर्फ लिखा हुआ है हमारे पास बे, तो बे के बाद क्या आता है? पे। तो अब हम लगाएंगे पे के कितने नुक्ते होते हैं? पे से 3 पत्ते गिरते हैं, तो नीचे 3 नुक्ते। ते, ते तितली की 2 आंखें या 2 पर। ते, टे, टे ने सर पे टोपी है पहनी। से ने सर पे समर है रखे, यानी के 3 हो गए। जी, जीम। जीम ने 1 जूता है पहना, यानी कि अंदर की तरफ 1 नुक्ता। हे हुक्का अंदर से खाली, यानी के कोई नुक्ता नहीं। जी, चे से 3 चाबी छन छन करती हैं, चाबियां अंदर होती हैं कीरिंग के, तो 3 नुक्ते लगेंगे अंदर की तरफ। खे, खे खरगोश ने छलांग लगाई, छलांग आगे की तरफ ऊपर की तरफ लगती है, तो खे। अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 3 पे। अल्फाज पढ़ें और खुश खत लिखें। जी, च आ ल, यानी कि चे अलिफ चा लाम चाल, तो कैसे लिखेंगे? चाल, 3 नुक्ते नीचे लगा के। अगला फिर चा ल, अगला द ल, द ल। इसको मैंने जान के गलत लिखा था ताकि आप लोग मेरी गलती देख सकें कि दाल लाइन के ऊपर होता है तो, और ये नीचे, इसको लाइन पे लेकर आना है। हॉज, एक नुक्ता। जाल, ज आ ल, एक नुक्ता नीचे। ज आ ल जी। सरगर्मी नंबर 4 है, दाल से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। तो दाल से कौन सी तस्वीर शुरू हो रही है? दरख्त। तो यानी कि अब हम किस में रंग भरेंगे? हम रंग भरेंगे दरख्त के अंदर। आपने दरख्त के अंदर जो है वो अच्छे से रंग भरने हैं। सब्ज़ रंग भरिएगा दरख्त के अंदर। मेरे पास यहाँ पर ये रंग था, आपने
अच्छा सा इसमें रंग भर देना है दरख्त के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।